छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने आपको जो है आनुवंशिक की वंशावली के आनुवंशिक शब्दावली या टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बताया था, जिसमें 13 शब्दावलियों या टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम चल रहे हैं आपको संकर पूर्वज संकरण, संकर संकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं बैक क्रॉस। आइए, बैक क्रॉस क्या है या संकर पूर्वज संकरण क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो संकरण जिसमें विषम युग्मकी या युग्मकी कह सकते हैं, विषम युग्मकी संकर संतानों का उनके समयुग्मकी उनके समयुग्मकी समयुग्मकी में प्रभावी या अप्रभावी दोनों होते हैं। समयुग्मकी जनकों से संकरण कराते हैं, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कि वो संकरण जिसमें विषम युग्मकी संकर संतानों का उनके सब युग्मकी समयुग्मकी में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों होते हैं। सब युग्मकी जनकों से छूट गया है, सब युग्मकी जनकों से संकरण कराते हैं तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वो संकरण जिसमें विषम युग्मकी संकर संतानों का उनके सब युग्मकी जनकों से संकरण कराते हैं तो उसे जो है संकर पूर्वज संकर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जैसे विषम युग्मकी बैगनी पुष्प, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे का प्रभावी सब युग्मकी बैगनी पुष्प, यहाँ कैपिटल आर भी लिखते हैं, पुष्प वाले पौधे से जब संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी यकवन में सभी
बैगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, परंतु जब प्रथम पीढ़ी यवन के विषम युग्मकी पुष्प वाले पौधे का अप्रभावी समयुग्मकी सफेद पुष्प वाले पौधे से संक्रमण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी यकृत में बैगनी यौन सफेद पुष्प वाले पौधे 50% के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इसी को हम चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ लिखा गया है विषम युग्मकी बैगनी पुष्प, यहाँ देखेंगे हाइब्रिड पर्पल फ्लावर्स, तो इसका जीन देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ लिख देते हैं छोटा करके हाइब्रिड पर्पल फ्लावर्स कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ लिखते हैं समयुग्मकी, यहाँ लिखते हैं प्योर पर्पल फ्लावर्स कैपिटल आर। यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी प्रकार जहाँ पर भी दो प्रकार के युग्मक बनते हैं एफ्टर आर। अब इनका जो है क्रास कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्रास कराते हैं तो यहाँ एफ्टर आर और फिर इसका जो है एफ्टर आर, फिर इसका यहाँ से क्रास कराते हैं एफ्टर आर स्मॉल आर एफ्टर आर स्मॉल आर। यहाँ लिखेंगे ये तो प्योर पर्पिट हो गया, प्योर पर्पिट और ये हाइब्रिड पर्पिट हो गया। हाइब्रिड पर्पिट तो ये जो है ये F1 पीढ़ी,
इसलिए उत्पन्न हुई है ये एफ1 जनरेशन। ये अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो वाला लिखा गया है तो जो है संकर विषम युग्म की संकर पुष्प वाले पौधे, बैंगनी पुष्प वाले पौधे और शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण कराया गया। तो द्वितीय पीढ़ी में जो है शुद्ध जो है लाल यानी शुद्ध बैंगनी और संकर बैंगनी दो प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए। अगर यहाँ इसको प्रसंग की बात करते हैं तो 25% ये हुए, 25% ये दोनों मिला देते हैं तो 50% हो गया। इसी प्रकार ये 25% 25% और दोनों मिला देते हैं तो ये 50%। तो यहाँ भी जो है शुद्ध बैगिंग और संकर बैगिंग 50-50 के अनुपात में जो उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा विषय है रंग लिखा गया, परंतु जब प्रथम पीढ़ी या कौन के विषम युग्म की, क्या लिखा गया है विषम युग्म की, फिर यहाँ लिखे हैं हाइब्रिड हाइब्रिड पर्पल फ्लावर्स और फिर यहाँ लिखा सफेद प्योर वाइट फ्लावर्स, इनका ये इसमाला यहाँ पर भी दो प्रकार के रूम बनते हैं कैटालारा और इसमाला। यहाँ पर भी दो प्रकार के रूम बनते हैं इसमाला और इसमाला। अब इनका हम संक्रास कराते हैं तो ये कैटालारा इस्माला। तो ये जो है हाइब्रिड हाइब्रिड पर्पिल हाइब्रिड पर्पिल और ये जो है प्योर वाइट और ये भी जो है प्योर वाइट, क्या है प्योर वाइट। तो अब इनकी बात करते हैं तो अगर उसको देखते हैं ऐसे करते हैं तो 25-25 हो जाता है और ऐसे करते हैं तो ये 50% 25-25 50% और ये द्वितीय जस्ट टू जनरेशन द्वितीय। ध्यान दीजिए जो चित्र हमने जो चीज यहाँ पर लिखा सेम इसी को हमने फिगर से बनाया। तो कहा गया कि वो संकर जिसमें विषम युग्मी संकर संतानों का उनके सब युग्म की जनकों से संकरण कराते हैं तो उसे संकर युग्म संकरण कहते हैं। जैसे जो है विषम युग्म की बैगनी पुष्प वाले पौधे कैटालारा इस्माला का संकरण जब जो है प्रभावी सब युग्म की बैगनी पुष्प वाले पौधे कैटालारा से संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी एफ1 में सभी अगर देखते हैं तो सभी जो होते हैं बैगनी पुष्प वाले पौधे जो होते उत्पन्न होते हैं सभी बैगनी। यहाँ पर अलग नहीं करना है सभी सब पर्पिल पर्पिल चाहे हाइब्रिड हो चाहे प्योर सभी यहाँ पर जो है सभी बैगनी पुष्प वाले पौधे जो होते उत्पन्न होते हैं। परंतु वहाँ लिखा गया परंतु जब प्रथम पीढ़ी एफ1 के ये परंतु जब प्रथम पीढ़ी एफ1 के विषम युग्म की बैगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण जो है शुद्ध अप्रभावी सफेद पुष्प वाले इस्माला पौधे से संकरण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी एफ2 में संकर यानी बैगनी विषम युग्म कह सकते हैं और शुद्ध सफेद पौधे जो होते हैं ये 50 अनुपात
50 के अनुपात में जो होते हैं उत्पन्न होते हैं, इसी को कहा जाता है संकर पूर्वज संकर। दूसरा ये परीक्षण संक्रमण टेस्ट क्रास टेस्ट क्रास, ध्यान दीजिएगा, प्रभावी जीनों टाइप वाले जीनों टाइप वाले जीवों जीवों में पौधे और जंत दोनों हैं। के संबंध में जब ये जानना चाहते हैं कि वह विषम युग्मकी है या सम युग्मकी जब इनका संक्रमण शुद्ध अप्रभावी जनक कराते हैं तो उसे परीक्षण संक्रमण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभावी जीवों टाइप वाले जीवों में चाहे जंतु या पौधे के संबंध में जब हम ये जानना चाहते हैं कि वो विषम युग्मकी है या सम युग्मकी, तो जब उनका जो है संक्रमण शुद्ध अप्रभावी जनक पौधे या जनक जीव से कराते हैं तो उसे जो है परीक्षण संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण संक्रमण। एग्जाम्पल में जब सम युग्मकी बैगनी पुष्प कहलाता वाले पौधे का अप्रभावी सफेद पुष्प वाले पौधे से संक्रमण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी यपवन में सभी बैगनी
पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए, बैगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए, परंतु जब प्रथम पीढ़ी यफोन के विषम युग्म की बैगनी विषम युग्म की बैगनी पुष्प क्या कला स्थान वाला हो जाएगा वाले पौधे का शुद्ध सफेद पुष्प सुनावा वाले पौधे से संक्रमण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी एफ टू में बैगनी एवं सफेद पुष्प वाले पौधे 50% अनुपात 50 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। अब इसी को हम चित्र से समझाते हैं, यानी लगा समयुग्मकी लिखते हैं क्यों पार्किल प्लाव और यहाँ लिखा गया है प्योर व्हाइट प्लाव। इसके लिए यहाँ कैपिटल आर इसके लिए स्मॉल आर और यहाँ तो दो प्रकार के यूनिट बन रहे हैं कैपिटल आर इसी प्रकार इसमें भी दो प्रकार के यूनिट बनते हैं स्मॉल आर क्रॉस कराते हैं क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर तो यहाँ जो है हाइब्रिड है पर्किंस हाइब्रिड पर्किंस और यहाँ पर भी लिखते हैं हाइब्रिड माने संकर पर्किंस हाइब्रिड पर्किंस यहाँ ये प्रथम जनरेशन है प्रथम पीढ़ी और यहाँ पे लिखते हैं दूसरे फिगर में हाइब्रिड पर्पल फ्लावर ये कैसा का इस्तेमाल हो जाएगा और यहाँ पर लिखते हैं प्योर वाइट फ्लावर्स प्योर वाइट फ्लावर्स ये स्मॉल आर
हाँ भाई, यहाँ पर दो प्रकार के इसने कैचारा इस्तेमाल, यहाँ पर भी दो प्रकार के ग्रंथ कैचारा इस्तेमाल आ रहा, इस्तेमाल आ रहा। आप क्या चाहते हैं? तो ये कैचारा इस्तेमाल आ रहा, कैचारा इस्तेमाल आ रहा और इस्तेमाल आ रहा, इस्तेमाल आ रहा। क्या लिखते हैं? आग्रिक सर्पिल, आग्रिक सर्पिल और प्योर वाइट, प्योर वाइट। ये 25%, 25%, ये हो गया 50%। अगर मिला डायरेक्ट भी ले सकते हैं 25%, 50%। यहाँ पास का निशान लगा देते हैं, यहाँ लिखते हैं ये स्टूडेंट, ठीक है। जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा उसी का फिगर हमने बनाया। तो अभी बताया कि जब जो है समयुग्मकी, सॉरी जब समयुग्मकी बैंगनी पुष्प वाले पौधे कैटल आ रहा का संकरण जो है शुद्ध है, आप प्रभावी सफेद पुष्प वाले स्मॉल आ रहा पौधे से संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी यकृत में होते हैं सभी जो है बैंगनी, यहाँ लिख सकते हैं आर पर सभी जो है बैंगनी पुष्प वाले जो होते पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। परंतु जो है जब प्रथम पीढ़ी के जो है ये संकर पुष्प वाले, संकर बैंगनी पुष्प वाले पौधे का कैटाला स्मॉल का जो है शुद्ध सफेद पुष्प वाले स्मॉल आर का से संकरण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी एक्टो में जो है बैंगनी एवं सफेद पुष्प वाले पौधे जो होते हैं 50:50 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आइए, व्युत्क्रम या अन्योन्यता संकरण, अन्योन्यता संकरण रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ट्रस ध्यान दिया मेंडल ने अपने प्रयोग में, प्रयोग में एक बार एक बार भावने 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 पौधे को मादा के रूप में, मादा के रूप में तथा लंबे पौधे को नर के रूप में प्रयोग किया, प्रयोग किया अर्थात अर्थात
बावने पौधे के पुष्प के वर्तिकाल पर उसके वर्तिकाल पर लंबे लंबे पौधे के प्राग कणों को स्थानांतरित करके प्राग कणों को स्थानांतरित करके परागण कराए। परंतु दूसरी बार उन्होंने बौने पौधे को नर के रूप में यौन लंबे पौधे को मादा के रूप में प्रयोग किया, अर्थात लंबे पौधे के उसके वर्तिकाल पर बौने पौधे के प्राग कणों को स्थानांतरित करके प्रारंभ कराया जिसे व्युत्क्रम संक्रम कहते हैं। इन्होंने अपने दोनों प्रयोगों में ये देखा कि यक्ष्मन यक्ष्मु यौन यत्री पीढ़ी में पौधे की लंबाई की विभिन्नता का वंशागत यथावत व्युत्क्रम प्रयोग क्या है या संक्रमण क्या है। मेंडल ने अपने एक प्रयोग में पहली बार उन्होंने बौने पौधे को जो है मादा पौधे के रूप में और नव पौधे को जो है और लंबे पौधे के नर पौधे के रूप में उन्होंने प्रयोग किया, अर्थात बौने पौधे के पुष्प के वर्तिकाल पर लंबे पौधे के परागकणों को स्थानांतरित करके जो है प्रयोग किया। लेकिन दूसरी बार उन्होंने उसका उल्टा कर दिया, उस उल्टे को व्युत्क्रम कहते हैं। दूसरी बार उन्होंने लंबे पौधे को जो है मादा पौधे के रूप में और बौने पौधे को नर पौधे के रूप में प्रयोग किया, अर्थात लंबे पौधे के
पुष्प के वर्तिकाग पर जो है पौने पौधे के प्रागणों को स्थानांतरित करके प्रागण कराया है, तो इसी को जो है व्युतक्रम या अन्योन्यता लिंग का संक्रमण कहा जाता है। उन्होंने अपने दोनों प्रयोगों में यह देखा कि जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय पीढ़ियों में जो है पौधे के तने की लंबाई में होता है जो भिन्नता होती है वो थोड़ा बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस या कह सकते हैं व्युतक्रम या अन्योन्यता संक्रमण। नेक्स्ट आइए, पुनेट की चौखाने की युद्ध, चौखाने की युद्ध पुनेट स्क्वायर आर चेकर बोर्ड में थे, चेकर बोर्ड में थे। ध्यान दीजिएगा संक्रमण प्रयोगों में निषेचन युग्मकों के आनियत संयोजन के पश्चात स्थापित जीन रूप स्थापित जीन रूपों जीनोटाइप यौन दृश्य रूपों फिनोटाइप को आसानी से समझने के लिए समझ करने के लिए पुनेट ने इस विधि को बनाया या इस विधि का आविष्कार किया। आविष्कार का ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है तथा खड़ी एवं आड़ी लाइनों के द्वारा वर्ग में चौकोर खाने बनाए जाते हैं, चौकोर खाने बनाए जाते हैं तथा आनुवंशिक लक्षण के अनुसार के अनुसार
मादा युग्मकों को, मादा युग्मकों को वर्ग के खड़े स्तंभों के ऊपर, स्तंभों के ऊपर गोलों में यौन नर युग्मकों को, नर युग्मकों को वायु बाई ओर आड़े स्तंभों के सीध में, सीध में गोलों में लिख देते हैं तथा संभावित संभावित जीन रूपों यौन दृश्य रूपों को चौकोर खानों में लिख देते हैं, चौकोर खानों में लिख देते हैं। अब इसको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं संकर लंबे पौधे, ये इनका जीन जो है कैकर्ती स्मार्टी और शुद्ध लंबे पौधे कैकर्ती की क्या है, और ये जो है मेल जो है, ये मेल है यानी नर, और जो है ये फीमेल है नहीं मादा, क्या है मादा। अब हम चौकोर खाने बनाते हैं, उन्हें के अंदर एक बल्ब बनाते हैं, क्या बनाया हमने एक बल्ब बनाया, और बल्ब बनाकर इसमें चौकोर खाने बना देते हैं, क्या बनाते हैं चौकोर खाने। तो ये लिखा गया है कि बल्ब के आड़े खड़े स्तंभ के ऊपर, तो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं कैकर्ती स्मार्टी, तो इसको जो है यहाँ पर लिख देते हैं और स्मार्टी यहाँ पर लिख देते हैं, फिर सारी परिमाण लिख देते हैं, यहाँ माना नहीं बनाया है, और ये मेल नीचे बनाते हैं, तो यहाँ इसका तीन कैकर्ती की है, क्या है कैकर्ती की। अब ये क्रास करते हैं, ये हो गया कैरेक्टर टी की, ये भी हुआ कैरेक्टर टी की, अब यहाँ से सर ये स्मॉल दिया है, अब यहाँ क्रास करते हैं कैरेक्टर टी स्मॉल टी कैरेक्टर टी स्मॉल टी। अब ये जीन हो गया, ये क्या हो गया जीन रूप हो गया चारों। अब ये बात से दिस रूप में फिनोटाइप क्या है, ये जो है प्योर हो गए, प्योर शुद्ध लंबे, ये भी हो गए प्योर डार्क शुद्ध लंबे, और ये जो है प्योर डार्क नहीं है, तो इसको लिखते हैं हाइब्रिड डार्क, ठीक है हाइब्रिड टाल
ठीक है। तो ये जब होने के लिए यानी जो है पुनेट जो है संकर प्राणियों में जो है निषेचन की क्रिया में नर जो मादा यहां छूट गया है, नर जो मादा युग्मकों के आनीय संयोजन के पश्चात स्थापित जीन रूपों एवं दृश्य रूपों को आसानी से समझने के लिए पुनेट ने इसका आविष्कार किया। इसमें एक बल बनाया जाता है और फिर बल को जो होता है खड़ी एवं आयल लाइन के द्वारा उसमें जो होते हैं जो वो खाने बनाए जाते हैं, फिर बल के खड़े स्तंभ के ऊपर की ओर मादा आनुवंशिक लक्षण दिया था मादा युग्मकों को गोल खानों में यानी गोलों में, तथा जो होता नर युग्मकों को जो है बाएं ओर आर्य स्तंभों के शीर्ष में गोलों में लिख देते हैं, तथा संभाव संबंधित या संभावित संभावित जिन रूपों एवं दृश्य रूपों को चौकोर खानों में लिख देते हैं। ये जिन रूप है ये दृश्य रूप है। तो छात्रों ऑनलाइन क्लास में आप समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे हम कल चलते हैं।